हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और हम स्टेशन पे हैं। हाँ रुक जा रुक जा। ये 5 रुपये वाला कोक कर। गाइस वी आर एट द स्टेशन। तो स्टेशन पे आने के बाद स्वाभाविक सी बात है हम कहीं ना कहीं जा रहे होंगे आउट ऑफ सिटी। तो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं ये तो वीडियो में आपको आगे मालूम पड़ ही जाएगा। बट मैं आप सबको न्यू ईयर विश करना चाहूँगा क्योंकि अभी आज 31 दिसंबर है, न्यू ईयर भी है। तो फिर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो ये व्लॉग आप लोग जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से वापस आऊँगा ना तभी देख पाओगे, क्योंकि लैपटॉप मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग में लैपटॉप इतना वजनदार है, रिस्क भी बहुत है। प्लस मैकबुक तो है नहीं कि इतना लाइट वेट उसको हम लेकर ट्रैवल कर सकते। यहाँ पर लाइटिंग अच्छी है तो इधर रुक के पहले वीडियो बना लूँ मैं। यही सीन्स है अभी स्टेशन पे, देखिए माहौल आप ऐसा कुछ है। अभी बज रहे हैं रात के 12:45 और हमारी 12 बजे की ट्रेन है। बहुत थक गया हूँ मैं आज क्योंकि कल हमने वर्कआउट बहुत लेट किया था, मतलब इवनिंग में। तो हमने सोचा कि भाई वर्कआउट इतना लेट किया है तो आज सुबह जाना नहीं है जिम पर। क्या पता नहीं मेरी इच्छा कहाँ से हो गई, बस जिम जाते हैं वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए हम चले गए सुबह सुबह। तो 12 घंटे के रेस्ट के बीच में ही मैंने 2 बार जिम चला गया मैं, तो इसीलिए थोड़ा बॉडी मेरी वो हो रही है। तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि जाता हूँ नीचे बैठता हूँ चेयर पे और अपनी ट्रेन का वेट करता हूँ, आती है फिर जाते हैं। क्योंकि उसके बाद जाके जा सो ही जाना हूँ ट्रेन में मैं 5-6 घंटे तक जितनी भी नींद मिल पाए। चलते हैं अभी, ठीक है। फाइनली वी हैव रीच्ड। बट यही सीन्स है कि अभी हमको जाना है बट मेरे को यार एग्जिट गेट मिल नहीं रहा है इधर, और हमको दूसरी लोकल पकड़नी है पीछे जाने के लिए क्योंकि ये ट्रेन के कुछ बहुत कम स्टॉप्स थे। तो डायरेक्ट हम लोग फाइनल स्टॉप पे उतरे हैं। अब यहाँ से हमको कुछ बैग जाना है, उसके बाद हम लोकल पकड़ के फिर जाएंगे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर जहाँ हमको जाना है। बाकी मौसम बहुत नॉर्मल है यहाँ का, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। चलता हूँ पहले सब सॉर्ट आउट करता हूँ फिर आप लोग को मिलता हूँ। लोकल ट्रेन फाइनली मिल गई हमको और अभी हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो चलिए वहाँ पहुँचता हूँ फाइनली। और आप लोग जानते ही है कि 2 दिन एक ही टाइप का जिम हो चुका है इसलिए पूरी बॉडी थक चुकी है। और प्लस हम लोग ट्रेन में यार गलती से मेरे दोस्त ने टिकट निकल वो भी चेयर कार के, तो मुझे बैठ के आना पड़ा, सोने का मौका ही नहीं मिला बिल्कुल। बैठे बैठे कैसे कैसे सो के मैं आ गया हूँ। बट ये अच्छा कि मैं रिटर्न की टिकट एकदम कम्फर्टेबल है तो दिक्कत कोई नहीं है अभी। और मुंबई का मौसम काफ़ी गर्म है, गुजरात के अंदर तो आपको ठंडी लगती है इस टाइम पे, बट यहाँ पे एकदम मस्त चिल्ड मौसम है। गर्मी में टी शर्ट पहन के घूम सकते हो यहाँ पे। और अभी ट्रेन के अंदर है, अभी माटुंगा पहुँचे, अभी हम लोग जा रहे हैं विले पार्ले। तो विले पार्ले पहुँचते हैं, अपने ऑर्डर में चेक इन करते हैं फिर आप लोग। तो गाइज होटल रूम में आ चुके हैं हम लोग। और होटल में आने के बाद सबसे मस्त काम लगता है ये, एकदम अंदर तो नहीं घुसा मैं बट अच्छा था। और बहुत थकान हो गई है जैसा कि आप लोग को पता ही है कि भाई ऊपर से ये ट्रेन में बैठे बैठे आया ना, लग गए मेरे बराबर वाले। तो अभी नहाना है, नहा के सोच रहा हूँ सो जाऊँ 1-2 घंटा या तो पहले सो जाऊँ फिर नहा लूँ उठ के। क्या करेंगे क्या नहीं, अभी बज रहे हैं 8:38 हो रहा है अभी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सो लेता हूँ 9:30-10 बजे तक। तो आप लोग को रूम टूर दे दिया जाए। चलिए बेसिकली यहाँ पे ऐसे भाई देखो पूरे होटल में ये एक ही रूम अवेलेबल था क्योंकि कल 31st था, इसीलिए 4 रूम शाम को खाली होने वाले। एक मतलब किंग साइज बेड वहाँ पे, ये नॉर्मल, यहाँ से ऐसे एंट्रेंस है, ऐसे एंट्रेंस है, ऐसे हम आए। ये एक बेड, ये डस्टबिन, विंडो, ये कबोर्ड हमको दिया है ऐसा कुछ, और ये टीवी हटबट का टीवी है, इधर एसी है, इधर वॉशरूम है, ऐसा कुछ रूम है। तो गाइस नहा के तो निकल गए, वी आर गोइंग टू वियर दिस। और नीचे ब्लैक पैंट ऑल टाइम फेव, और ये शर्ट फर्स्ट टाइम पहनने वाले, तो आप लोग को ये शर्ट पहन के दिखाता हूँ मैं। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। तो रुके रुके रुके, इसको हटाता हूँ और मैं थोड़ी क्वालिटी में दिखाता हूँ। हाँ अब आया ना मजा, अब दिख रही है क्वालिटी। रुकिए, अरे क्यों पीछे जा रहा हूँ यार, अपने पास अल्ट्रा वाइड है। ओके तो ऐसा कुछ लुक है आज का, अच्छा लग रहा है मेरे पे शर्ट ऐसे। जेल का कैदी तो नहीं लग रहा हूँ मैं, कमेंट डाउन जेल का कैदी तो नहीं लग रहा इसमें। कोई नहीं, अच्छे अच्छे पिक्स आएंगे इंस्टाग्राम पे, ट्राई करेंगे क्लिक करने की कुछ। आंखें देखिए आंखें कितनी लाल है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक्साइटमेंट के मारे मुझे नींद आ ही नहीं रही है। पिक्स क्लिक करता हूँ यहाँ पे, कुछ अच्छे आ जाए तो पोस्ट भी हो जाएंगे। तो गाइस अपने शूज जो कि वाइट वाले थे वो बैक है, और इसमें यार बड़ी प्रॉब्लम है लेस डालना है, तो
अभी हम इसकी मशक्कत करेंगे, देखते हैं हम डाल पाते हैं कि नहीं। ऐसे पहन के चला जाऊं क्या? पर नहीं यार, थोड़ा ऑड लगेगा। चलो लेस डालते हैं, चलते हैं। तो गाइस शूज पे फाइनली लेस डल चुकी है और ऐसा कुछ लग रहे हैं, ये रहे हम रेडी, अब लेट्स गो। होटल से निकल गए हैं और मस्त धूप निकल चुकी है बाहर। हम आए थे अंधेरे अंधेरे में और अब हो गया उजाला। और बाहर के सीन्स दिखाता हूँ आपको। मास्क पहना नहीं है क्योंकि मेरे पास मास्क था नहीं यार। मुझे लगा मैंने मास्क रखा है बट मैंने मास्क रखा था नहीं। एक ही मास्क था जो कि गंदा हो चुका है, तो अब ये दूसरा मास्क मैं भी खरीदूंगा यहाँ से। पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मास्क खरीदते हैं और चलते हैं कहीं ना कहीं घूमने। और कहाँ जाएंगे? और बहुत मजा आने वाली है। जो हमारे एक ब्रदर है उनको भी मैं सरप्राइज करने वाला हूँ बहुत खतरनाक तरीके से। ये हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी बहन का, एक मिनट कैमरा गंदा है, जहाँ पे मेरी दीदी ने इंटर्नशिप किया हुआ है। तो इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फिजियोथेरेपी में। किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है बोन्स के रिलेटेड, मसल्स के रिलेटेड, किसी की भी मतलब कोई भी कंडीशन हो, न्यूरोलॉजिकल हो, मस्क्यूलर हो, ऑर्थो हो, कुछ भी हो, तो सबके लिए मेरी दीदी ने मतलब किया है। उन्होंने अभी बीपीटी मतलब बैचलर्स कोर्स खत्म किया, वो मास्टर्स करेंगे। बट उसके बीच में इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 3 मंथ की ट्रेनिंग यहाँ से हुई है। बाकी 3 मंथ की ट्रेनिंग भरूचा करने वाले ही है कि भाई ज़रूरी है ना, बाकी क्या बजट गड़बड़ा जाता है हमारा, ठीक है, उनके चक्कर में हमको कुछ नहीं मिलता है। हमको बहुत कुछ लेना है तो आपको सीन दिखाता हूँ। बहुत ही मस्त यहाँ पे व्यू है, तो देखिए। अभी आपको मुंबई की मेरी फेवरेट चीज बता देता हूँ। पहली बात तो सिटी तो अच्छी है ही, दूसरी बात कि यहाँ पे है ना, आप चलते हो ना तो आप प्राइवर फील करते हो गाड़ी वालों से। गाड़ी वाले ट्रैफिक में अटके पड़े रह जाएंगे बट आप नहीं अटकोगे। और मुंबई में मैं कितने कितने किलोमीटर चल जाता हूँ, कितनी कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं और मेरे भैया हम लोग मलाड से अंधेरी से गोरेगांव चल के चले गए, हमको पता नहीं चला है। और यहाँ पे कौवे ही देखने को मिलते हैं, देखो उड़ रहा है। और वाओ ये मेंशन तो देखिए, मास्क लेने आए थे और बहुत भारी सीन हो गया। ये देखिए शर्ट, ये रहा मास्क, ये शर्ट का कपड़ा बचा होगा ना, इससे मास्क बनाया ये लोग ने। सीन हो गया बहुत भारी वाला। कौन, कोई नहीं, चलो मैचिंग पहन के फोटो खिंचाएंगे हम। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमारा कहाँ हो रहा है देखिए, मैकडे। मैं कम से कम महीने तो भी 3 से 4 महीने बाद आ रहा हूँ। और ये आप लोग विले पार्ले का मैकडे देखिए, तो हो जा रहा है दूसरा ऐड यहाँ से। कहाँ से ऐड होगा भाई? क्वार्टर पाउंडेड बन, वीट बन, क्वार्टर पाउंडेड सांच में इसके एक लार्ज यही आएगा। ये इनका मील किचन पे भाई ले लेते ना, रेगुलर मील। कहीं ड्रिंक चूज ही करना पड़ता है। ₹5 वाला कोक कर, क्या बोला तूने? ऐड टू ऑर्डर। यहाँ पे भरूच से काफ़ी अलग आता है सब कुछ, ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले में करना रहता है उसके बाद आपके इसमें आता है। ऐसा इधर पता नहीं बोर्ड जैसा कुछ दे देते हैं। और यहाँ का मैकडॉनल्ड्स कितना बड़ा है, कोक के नाम पे पता नहीं गलती से क्या ऐड हो गया है। तो अभी हम सोच मंडाओ का चेंज कराओ, हम आइस बंदर वो चेंज कराओ कौन सी।
तो क्या सर, फर्स्ट टाइम हम मार्क्स एंड स्पेंसर के शोरूम में गए थे तो इधर तो जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो गया था। तब लड़कियों के कपड़े तो फिर भी ठीक थे और लड़कों की एक नॉर्मल सी टी शर्ट 1500 रुपए। ये ब्रांड मैं पहली बार खुद सुन रहा हूँ, आगे पता नहीं। एक बार नाइकी हो, एडिडास हो, वो तो चलो 3000 होता है ना, फिर भी चलता है। अभी हम आ रहे हैं नाइकी का रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर जा रहे हैं। एग्जैक्ट सामने खड़े हैं शाहरुख खान के घर के। सलमान खान का घर